बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस उसका लेक्चर हमारे पास ट्वेंटी फाइव है मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद ए पी मैथीमेटिक्स है यहाँ पे एफ एस सी बी एस बी एस सी एम एस सी मैथीमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर करें आज हमारे पास जो सबसे इम्पॉटेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबल। differentiation, definition is, the derivative, let I subset of R be an interval, F I to R, let C belong to I, we say that, a real number L, is derivative of F at point C, is given any epsilon greater than 0, then there exists delta greater than 0, such that, if I belong to, X belong to I, जीरो ज़ीरोस दैन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा अगर आप देखें आपने डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट्स की डेफिनेशन ऑफ आ लिमिट आपके पास थी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एपसीलॉन्न वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो हमारे पास जो डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे है सी पे तो हम कैसे डिफाइन करते हैं एफ डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी ये है डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखें एफ ऑफ एक्स है तो नीचे एक्स आएगा एफ ऑफ सी है तो बाद में क्या आएगा सी दरमियान में साइन कौन सा होगा नेगेटिव इसी तरह जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट पॉइंट ज़ीरो तो क्या लिखेंगे लिमिट एक्स प्रोचस टू ज़ीरो एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स माइनस ज़ीरो देखें अब सी की जगह पे क्या है हमारे पास ज़ीरो जहाँ सी है ज़ीरो 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 आ जाएगा इसी तरह अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं पॉइंट वन पे यानी अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स प्रोचेस टू वन यानी सी की वैल्यू अब क्या है वन एफ़ ऑफ़ एक्स माइनस एफ़ ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन अब देखें जो इसकी लिमिट आएगी उसको हम क्या नाम दे देंगे एल तो इसका मतलब हमारे पास जो डेफिनेशन बनेगी डेरिवेटिव की डिफ्रेंशियब की इन टर्म ऑफ लिमिट तो हमारे पास हैं एफ़ ऑफ एफ़ डैश ऑफ सी माइनस एल लेस देन एफ देखें अब हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास अब फंक्शन क्या है एफ डैश ऑफ सी जो इसकी लिमिट है ये किसको अप्रोच करता है एल को एट एक्स इजिकल टू सी तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन एफ डैश ऑफ सी माइनस एल लेस देन एफ सीलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो तो एफ़ डैश ऑफ सी की जगह पे आप ये वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं एक ही बात है हम लिख सकते हैं इसको कि एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी यहाँ देखें एफ़ डैश ऑफ सी की जगह पे मैं ये वैल्यू रिप्लेस करता हूँ माइनस एल लेस देन एफ सीलॉन तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास एफ़ है वो डिफ्रेंशियबल है एट पॉइंट सी पे ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जिसको हमने लिमिट की फॉर्म में हमने उसको डिस्कस किया अगर आप देखें जब आपने सेकेंड ईयर में डिस्कस किया था कि लिमिट डेल्टा एक्स प्रोचो टू ज़ीरो एफ ऑफ आपने लिखा था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एफ डैश ऑफ सी डेरीवेटिव को लिमट एक्स प्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इफ़ एफ हैज अ डेरीवेटिव एट पॉइंट सी देन एफ इज़ कंटिन्यूस देखें हमें गिवन है सिंस एफ इज़ डिफरेंशिएबल अगर ये डिफरेंशियबल है एट पॉइंट सी पे तो इसका मतलब है कि हमारे पास एफ़ डैश ऑफ सी बराबर होगा लिमिट एक्स प्रोचेज टू सी एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इसका मतलब है कि हमारे पास एफ डिफरेंशियबल है किस पॉइंट पे सी पे हमने साबित क्या करना है टू शो दैट शू टू शो दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस तो कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी क्या डेफिनेशन थी की के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ़ ऑफ एक्स बराबर किसके हो एफ ऑफ सी के तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी देखें यहाँ पे मैंने फंक्शन को कंसीडर किया एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी तो एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी यहाँ पे मैंने एक्स माइनस सी से डिवाइड भी कर दिया और एक्स माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया इसका मतलब कि एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी टेकिंग टेकिंग लिमिट एक्स प्रोचर टू सी अप्लाई करें लिमिट लिमट एक्स प्रोच टू सी एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमट एक्स प्रो सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई साथ आएगा लिमिट एक्स प्रोचरू सी एक्स माइनस सी इसकी लिमट मैंने अलहदा अप्लाई कर दी इसकी लिमट मैंने अलहदा अप्लाई कर दी तो फिर आप जानते हैं आपके पास डेफिनेशन थी एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर था लिमट एक्स प्रोच टू सी एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा एफ डैश ऑफ सी तो लिखें इसको लिमिट एक्स प्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू देखें ये बराबर किसके हैं एफ डैश ऑफ सी अप्लाई करें लिमिट एक्स प्रोच टू सी एक्स माइनस सी यहाँ आप एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है सी यहाँ पुट करें सी सी मन सी ज़ीरो तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स प्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू यहाँ पुट करें एक्स वैल्यू सी सी मन सी जीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई एफ़ डैश ऑफ सी तो आंसर क्या हो जाएगा ज़ीरो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया लिमिट एक्स प्रोच टू सी एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी एफ़ ऑफ सी इज एकल टू ज़ीरो इसको जरा अगर पॉजिटिव कर लें लिमिट एक्स प्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स ये जरा अगर पॉजिटिव एफ ऑफ सी तो देखें ये किसकी डेफिनेशन थी कॉन्टीन्यूअस की सो एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज एकल टू सी देखें यही हमने साफ करना था कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा नेक्स्ट थ्योरम है लेट आई सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल सी बिलोंग टू आई यहाँ आई हमारे पास इंटरवल है और सी उस इंटरवल क्या करता है बिलोंग अगर हमारे पास इंटरवल है ए टू बी और सी बिलोंग करता है इंटरवल ए एंड बी को लेट एफ आई टू आर एंड जी आई टू आर बी आर बी आ फंक्शन देट आर डिफरेंशियबल एट सी दैन हमें गिवन है के एफ और जी दोनों डिफरेंशियबल हैं पॉइंट सी पे इफ़ अल्फ़ा बिलोंग टू आर दैन फंक्शन अल्फा एफ इज़ डिफरेंशियबल एट ए सी एंड अल्फ़ा एफ डैश ऑफ सी इज इक्ल टू अल्फा एफ डैश ऑफ सी ये हमने सावर करेंगे इसके बराबर है हमें क्या गिवन है सीन्स एफ एंड जी आर डिफ्रेंशियबल एट पॉइंट सी एफ भी डिफरेंशियबल है और जी भी डिफरेंशियबल है तो क्या मतलब डेफिनेशन का एफ डैश ऑफ सी लिमट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी जी भी डिफरेंशियबल है क्या डेफिनेशन है जी डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोचो टू सी जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी हमें गिवन है एफ भी डिफरेंशिएबल है जी भी तो मैंने एफ की डेफिनेशन यूज कर डायरेवेटर की और जी डैश की साबित करना है हमने कि ये इसके इक्वल है तो मैं क्या कर लेता हूँ मैं पी ऑफ एक्स को लेट करके इसको मैं अल्फ़ा अल्फ़ा एफ़ ऑफ एक्स को ये जो अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स है इसको मैंने किसके बराबर ले लिया पी ऑफ एक्स तो आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करें देखिए क्या डेफिनेशन होती है अगर आप डेफ लेंगे पी डैश ऑफ सी की लिमिट एक्स प्रोच टू सी देखें आप एफ की जगह पे क्या है पी है तो सेम लिख लें आप एफ ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी और नोट करें पी ऑफ एक्स को हमने बराबर लिया अल्फा एफ ऑफ एक्स जब मैं x की जगह पे वैल्यू क्या रिप्लेस करूँगा सी तो ये आ जाएगा अल्फ़ा एफ ऑफ सी पुट करें फार्मूले में पी डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स प्रोचर टू सी पी ऑफ एक्स अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ सी अल्फ़ा एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लें पी डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोच टू सी अल्फ़ा कॉमन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी अल्फ़ा को बाहर ले, निकाल लें पी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू अल्फ़ा लिमिट एक्स प्रोच टू सी एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी पी डैश ऑफ सी अल्फा देखें किसकी डेफिनेशन है f डैश ऑफ सी तो आप क्या करें पी ऑफ एक्स की यहाँ वैल्यू पुट कर लें डैश ये डैश आ गया पी ऑफ सी ये सॉरी पी ऑफ सी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ से हमारे पास है अल्फ़ा f ऑफ सी तो बराबर है अल्फ़ा f डैश ऑफ़ सी देखें हमने यही साबित करना था तो मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक मैंने इसको सेटिस्फाइड कर दिया नेक्स्ट हमारे पास प्लस वाला फैक्टर है ये आप खुद करेंगे आसान है मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले दोनों कर देता हूं आपको ये देखें आप आपको नोट कर लें सिंपल है अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है में कि सीन्स पार्ट सी करेंगे द फंक्शन एफ जी इज डिफ्रेंशियबल एट पॉइंट सी एफ डैश ऑफ सी आपने पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकेंड का डेरीवेटिव प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरीवेटिव तो हमारे पास सिंस एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी क्या मतलब कि डेफिनेशन एफ डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इसी तरह जी भी डिफरेंशिएबल है तो जी डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी ये हमें गिवन है हमने साबित करना है कि एफ ऑफ जी डैश का डेरिवेटिव बराबर होगा एफ़ डैश ऑफ सी जी ऑफ सी एज इट प्लस एफ ऑफ सी एज इट जी डैश ऑफ सी तो मैं क्या कर देता हूँ मैं इसको लेट करके लेट करके मैं p ऑफ x को बराबर ले लेता ले हूँ f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इसको मैंने क्या बोल दिया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बराबर मैंने ले लिया करके पी ऑफ एक्स के जब आप निकालेंगे पी ऑफ सी एफ ऑफ सी जी ऑफ सी क्योंकि डेरिवेटिव क्या है डेफिनेशन क्या होगी पी डैश ऑफ सी की लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी ये है ये हमारे पास डेरिवेट की डेफिनेशन है पी डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोच टू सी पी ऑफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ सी एफ ऑफ सी जी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी अब हमारे पास पी डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोच टू सी यहाँ पे देखिए जो सबसे अहम पॉइंट है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मैंने अपने पास से एफ ऑफ सी जी ऑफ एक्स को प्लस भी कर दिया और एफ ऑफ सी जी ऑफ एक्स को माइनस कर लास्ट माइनस है ये लास्ट वाला है एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी यहाँ से आप कॉमन ले लें जी ऑफ एक्स यहाँ से आप कॉमन ले लें एफ ऑफ सी निकालें कॉमन हमारे पास p डैश ऑफ c लिमिट x अप्रोच टू c, c यहां से हम कॉमन लेंगे g ऑफ x को g ऑफ x कॉमन लिया f ऑफ x माइनस एफ़ ऑफ c ओवर x माइनस सी यहाँ से प्लस कॉमन लें f ऑफ c कॉमन निकाल लें क्या आएगा g ऑफ x माइनस जी ऑफ c ओवर एक्स माइनस सी देखें दोबारा यहाँ से मैंने जी ऑफ सी कॉमन निकाला यहाँ से मैंने एफ ऑफ सी कॉमन ले लिया अब आप देखें इन सब का जो डिनोमिनेटर था सबका एक्स माइनस सी इसका बड़ा अलहदा कर दिया और इसका बड़ा मैंने अलहदा कर दिया अब आप देखें लिमिट अप्लाई करेंगे जब ये किसके बराबर है एफ डैश ऑफ सी के ये किसके बराबर है जी डैश ऑफ सी पी डैश ऑफ सी लिमिट अप्लाई करें यहाँ एक्स की लिमिट वैल्यू क्या क्या सी क्या आएगा जी ऑफ सी यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आपको पता है कि लिमिट एक्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी ये किसके बराबर होता है एफ डैश ऑफ सी के एफ डैश ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी ये डेफिनेट किसके बराबर है g डैश ऑफ c तो लास्ट पे आप ये देखें डैश है एफ़ डैश आप एफ ऑफ सी पी ऑफ सी की पुट कर दें पी ऑफ सी बराबर था एफ़ ऑफ सी जी ऑफ सी एफ़ ऑफ सी जी ऑफ सी इसको पहले लिख लें एफ ऑफ सी जी डैश ऑफ सी प्लस इसको बाद में लिख लें जी ऑफ सी एफ़ डैश ऑफ सी देख लें हमने यही साबल करना था कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन रूल है क्वेश्चन रूल में आपने पढ़ा हुआ है कि नीचे वाले फंक्शन का स्केयर नीचे वाले नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो देखें हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है उसको मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स क्वेश्चन रूल तो पी ऑफ सी पी ऑफ सी एफ ऑफ सी ओवर जी ऑफ सी तो देखें डेफिनेशन क्या होगी पी डैश ऑफ सी की लिमिट एक्स प्रोच टू सी पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी तो पी डैश ऑफ सी लिमिट एक्स प्रोच टू सी ये देखें पी ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ सी ओवर जी ऑफ सी होल बटा एक्स माइनस सी अब आप इनका क्या लेंगे एल्सियम एल्सीयम ले लें एल्सियम लेंगे देखो मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्सपोर्ट कर दिया आप इसका एल्सीम लें जी ऑफ एक्स जी ऑफ सी तो ये फैक्टर आ गया यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपका आप एफ ऑफ सी जी ऑफ सी को प्लस भी करेंगे एफ ऑफ सी जी ऑफ सी को आप माइनस भी कर देखें मैंने माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया यहाँ से देखें इन दोनों में इन दोनों में से आपके पास जी ऑफ सी कॉमन आ रहा है इन दोनों में आपके पास एफ ऑफ सी कॉमन आ रहा है देखिए मैं इन दोनों में से मैंने जी ऑफ सी कॉमन कर लिया इन दोनों में से मैंने एफ ऑफ सी आप क्या करेंगे इसका बटा अलग कर देंगे एक्समन सी इसका बटा आप अलग अप्लाई कर दें जब आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन के मुताबिक बड़ा लगा इसका बटा मैंने अलहदा कर दी लिमिट अप्लाई कर दी ये डेफिनेशन है एफ़ डैश ऑफ सी की ये डेफिनेशन है जी डैश ऑफ सी की देखें एफ डैश ऑफ सी जी डैश ऑफ सी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पे सी जी ऑफ सी जी ऑफ सी तो क्या हो गया जी ऑफ सी का स्केर ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन रूल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पास उसके बाद मैंने कुछ क्रोलरी आपके साथ डिस्कस की है अगर आपके साथ फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो फर्स्ट का डायरेविटा सेकंड का डायरेवेट अलहदा थर्ड का डायरेवेटिव अलहदा अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा एन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं फर्स्ट का डरीवेटिव बाकी सारे फंक्शन एज इट फिर सेकेंड का डायरीवेटिव बाकी सारे फंक्शन एज इट लास्ट पे एंथ का डायरीवेटिव बाकी सारे फंक्शन एज इट यानी एक फंक्शन का डायरेवेटिव लेंगे बाकी सारे फंक्शन साथ एज़ इट मल्टीप्लाई होंगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास लेक्चर है अगर इसमें कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं